लातेहार जिला के मनिका प्रखंड मुख्यालय स्थित छतवा कर्म गांव के लगभग 3 महीने पूर्व से बिजली का ट्रांसफार्म खराब पड़ा हुआ है, जिसके कारण लगभग 20 से 25 घर के लोग अंधेरे में रात गुजारने को विवश हैं। वहीं ग्रामीणों ने बिजली की समस्या से परेशान होकर मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह के नाम युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मिथिलेश पासवान को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने से रात में उनके बच्चों को पढ़ने में या बिजली से संबंधित कार्य को करने में काफी परेशानी हो रही है, जिसकी जानकारी बिजली विभाग को भी दी गई है, लेकिन विभाग के द्वारा उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं जब विधायक रामचंद्र सिंह को ट्रांसफर खराब होने की जानकारी देते हुए लोगों को बिजली की हो रही समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि विभाग से बात करके जल्द से जल्द लोगों को इस समस्या से राहत दिलाने का काम किया जाएगा। मनिका प्रखंड से संवाददाता दीपू कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, हम लोग सही में दिक्कत है यहाँ के लोग का, और ये लोग हम बताए कि माननीय विधायक जी महोदय के नाम से आवेदन दिए हैं और हम जिले के उपायुक्त से भी हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि मामला बहुत है, क्योंकि बिजली नहीं है तो पानी का भी किल्लत हो गया है। थोड़ा बहुत किसान खेती बाड़ी किए उसका भी प्रॉब्लम है, और सही बात है बच्चा पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है। विभाग क्या कहता है मामले में? विभाग इस मामले में अभी तो कोई संज्ञान नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोग बात किए थे कि हम लोग ट्रांसफार्मर खराब है, केवल बिल का लोग के भेजता है और अपना उसका व्यवस्था ही नहीं। बिजली विभाग का घोर लफड़ा है, बिजली विभाग का है, आपको कनेक्शन खाली काटने में परेशान है और व्यवस्था जो लचर है, ट्रांसफार्मर खराब, तार लूज कहीं कुछ नहीं है, अपना मेंटेन नहीं है, केवल पैसा लेना चाहता है, और बहुत समस्या एकदम है, निंदनीय है। हम माननीय विधायक से हम लोग जाकर मांग करेंगे इस विषय की, क्योंकि यहाँ का पब्लिक लिख के दिए हैं माननीय विधायक के नाम पर कि जल्द से ट्रांसफार्मर लगाया जाए। दुर्दान निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।